मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की तहसील सेगांव स्थानीय देवी श्री लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर परिसर में व्यापारी संघ द्वारा दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित बैठक में देवेंद्र मंडलोई ने व्यापारी संघ द्वारा गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित चलित झांकियों व कवि सम्मेलन का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और व्यापारी संघ अध्यक्ष नारायण अग्रवाल ने पंडित द्वीपेश शर्मा को शाल श्री फल से सम्मानित भी किया गया। बैठक में व्यापारियों द्वारा फोर लाइन के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक का संचालन किशोर गुप्ता और सभी व्यापारियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए आभार प्रदर्शन व्यापारी संघ नारायण अग्रवाल द्वारा माना गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। संबंध में बैठक रखी गई थी। आज देवी श्री लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर परिसर सेगांव में व्यापारी संघ सेगांव के द्वारा आयोजित एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें इस वर्ष संघ के द्वारा आयोजित तीन विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना, संगीतमय चलित झांकियों का आयोजन एवं अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन। तीनों कार्यक्रम सफल होने के पश्चात संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे कार्यक्रमों के आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाकर देकर संघ द्वारा प्रीति भोज का आयोजन किया गया और सभी व्यापारी बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया, जिसमें दशहरे एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी व्यापारियों को दी गई एवं देवी श्री लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर परिसर के पंडित श्री दीपेश आचार्य जी का व्यापारी संघ के द्वारा स्वागत किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।